पीएनपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंधा कत्ल हो गया था 2 दिन पहले। तो उस अंधे कत्ल में सुपारी लेकर एक व्यक्ति की 47 वर्षीय एक व्यक्ति की सुपारी लेकर हत्या कर दी गई थी। और इतनी प्लानिंग के साथ इतने सिनेमाई अंदाज में उसको अंजाम दिया गया था कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी और वो हत्या हो गई थी। इसमें बीएनपी थाना पुलिस ने बहुत मेहनत करके पिछले 24 घंटे में इस घटना का खुलासा किया है। इसमें खास बात यह है कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर 2 लोगों में विवाद चल रहा था, एक तो मृतक और एक दूसरा जो आरोपी है श्याम कुमावत जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसने 5 लाख रुपए में सुपारी दी। जिस आदमी को सुपारी दी थी उसका नाम अखिलेश प्रजापति है। अखिलेश प्रजापति ने 5 लाख रुपए में सुपारी दी और उसके बाद 1.5 लाख रुपए उनको एडवांस में दिए और किसी को संदेह नहीं हो इसलिए 2 गाड़ियां इसमें उपयोग में लाई गई। 2 आइसर गाड़ियां उपयोग में लाई गई। दोनों आइसर गाड़ियों से एक्सीडेंट करके इसकी डेथ हुई, इसको मारा गया। इसमें देवास पुलिस ने हमारे कंट्रोल रूम में सिटी सर्विलेंस के जो कैमरे लगे हैं वो, हमारे हाईवे पर जितने भी कैमरे हैं वो, जितने भी ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं, जहाँ जहाँ पर भी कैमरे लगे हैं उन सभी को खंगाला, उनको कलेक्ट किया। लगभग 1200 फुटेज हम लोगों ने चेक किए तब जाके हम ये एस्टेब्लिश कर पाए कि वास्तव में ये गाड़ी है जिसकी वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। पिछले 1 सप्ताह के फुटेज हमने देखे कि कौन आदमी है जो यहाँ पर रैकी करता था, कौन आदमी है जो मृतक के घर के आसपास घूमता था, उन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चाएं और इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद इस अंजाम पर पहुँचे कि 5 आरोपी हैं, श्यामलाल पिता रामचंद्र कुमावत, जितेंद्र पिता करण सिंह राजपूत, संजय पिता राम सिंह, कालूराम पिता स्वर्गीय भैरूलाल और अखिलेश प्रजापत पिता राजाराम प्रजापत के दिया गया और उसको हमने इससे क्या रिश्ता एक्सीडेंट हुआ था जैसा आप सभी लोगों को पता है। एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ तो सिंपल एक्सीडेंट के रूप में इसको समझा गया। बाद में मृतक के परिजनों ने एक संदेह व्यक्त किया गया कि कहीं इसको मारा तो नहीं गया है। और उसके बाद हमने मृतक का जो घर से अपने संस्थान तक जाने का ट्रैक था उसको सीसीटीवी फुटेज से चेक किया। पिछले 7 दिन में कितने बजे जाता था, कितने बजे आता था, उसका आगे पीछे कौन कौन जाता था, इन सबको कैमरा, जितने भी कैमरे रास्ते में लगे हुए थे हमारे सिटी सर्विलेंस के यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं सभी को खंगाला और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यस कुछ लोग थे जो इसका पीछा कर रहे थे और सुबह जैसे ही ये घर से 7 बजे निकलता था मोटरसाइकिल से इसका पीछा किया जाता था। उसी क्रम में जैसे ही हमको एक गाड़ी पर संदेह हुआ हमने फिर टोल्स पर जाने वाली गाड़ियों को खंगाला। भोपाल रोड पर, मक्सी रोड पर जितने भी टोल्स हैं उनसे कितनी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, ऐसी कौन सी गाड़ी है जो यहाँ से गई है लेकिन टोल क्रॉस नहीं की है, कहाँ बीच में डाइवर्ट हो गई है। जब घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था तो एक आइसर गाड़ी से इसकी डेथ की गई, उसको मारा गया, टक्कर मारी गई और दूसरी गाड़ी सीधी निकल गई और जिसने टक्कर मारी थी वो लाल रंग की आइसर गाड़ी रास्ते में कहीं मुड़ गई, इसको देखे संदेह हुआ फिर हमने इसको डेवलप किया। सर आरोपी का कनेक्शन क्या है, रीजन हत्या का? हाँ, एक 32 बीघा जमीन भौरासा थाना क्षेत्र में मृतक ने सबसे पहले एग्रीमेंट करा रखा था उसका 1.5 करोड़ रुपये में और उसके बाद ये जो आरोपी है ये उसको लेना चाहता था, हड़पना चाहता था। तो आरोपी ने भी उसी पार्टी के साथ और अधिक पैसे देकर उसको प्रलोभित करके अपने पक्ष में कर लिया था। अब आरोपी का ये केवल रास्ते का बाधा था, यदि ये हट जाता तो उसकी पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम होने की संभावना थी, इसलिए इसकी डेथ की गई। अब जैसा मैंने बताया है कि इसका एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था जमीन का, तो चूंकि एग्रीमेंट हो चुका था तो एग्रीमेंट में जो भी राशि दी गई होगी वो दे रखी थी इसको।
लेकिन चूंकि ये जो दूसरा व्यक्ति है जो आरोपी है ये उसको हड़पना चाहता था, लेना चाहता था, सौदा करना चाहता था, तो इसलिए उसने मृतक को उसको उसका मर्डर करके उसको रास्ते से हटा दिया। सर पिछले कितने दिनों से रैकी कर रहे थे आरोपी? एक वीक से रैकी की जा रही थी इसकी, उसके सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जब्त किए हैं जो घटना में सबूत के तौर पर हम लोग पेश कर रहे हैं। एक दूसरे को आपस में पहचानते थे क्या दोनों? दोनों पहचान जमीन में क्या खासियत थी ऐसी कि इसकी गांव ये इतना बड़ा मर्डर कर रहा था? नहीं, जिस व्यक्ति ने, कई बार ये होता है जमीन संबंधी विवादों में कि एक व्यक्ति के नाम से एग्रीमेंट कर दिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई थी, एग्रीमेंट के आधार पर वो उसको होल्ड रखा हुआ था कि मैंने पैसे दे दिए, एग्रीमेंट कर लिया, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ये जो आरोपी व्यक्ति है श्याम कुमावत, इसको ये आशंका हुई, इसको ये इसके मन में ये आया कि मैं और अधिक पैसे देके और इसको अपने नाम करा लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ, तो इसीलिए ये पहले वाले खरीदार को, पहले वाले एग्रीमेंट जिससे किया था उसको ही अपने रास्ते से हटाना चाहता था। बताया गया था किसी तरह का प्रकरण या इस तरह की कोई बात नहीं। आरोपी को कोई रिकॉर्ड नहीं? हाँ, आरोपी के रिकॉर्ड इसमें प्रेस नोट में दिए गए हैं। जो श्याम कुमावत है इसका, जितेंद्र पिता करण सिंह का और अखिलेश पिता राजा राम का जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो इसमें दिया गया है। सर ये जो गाड़ी थी जो बाहर है ये कहाँ से पकड़ा हुआ? जो आयुषा बाहर थी, हाँ, इसको ये बेसिकली बोरासा थाना क्षेत्र में रहते थे लेकिन ये सीहोर सिद्दीकगंज में जाके, ये जो प्रजापति है अखिलेश प्रजापति, ये सिद्दीकगंज का रहने वाला था, तो वहाँ से हम पुलिस की टीम जाके कल इसको लेकर आए दोनों गाड़ियों। ये कार और बाइक भी जब्त किए? ये कार और बाइक रैकी करने के लिए काम में आती थी।